उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पे हेमंती नंदन बोगड़ा एंट्रेंस एग्जाम जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का है उसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का वेट कर रहे हैं। उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, फाइनली उसकी डेट यहाँ पे CUT के द्वारा रिलीज कर दी गई है। आज की वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे क्या क्राइटेरिया यहाँ पे है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ डेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट जो ऑनलाइन आवेदन की फॉर्म की जो डेट है आपकी 20 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट 19 अप्रैल 2023 तक आपकी डेट रहने वाली है। डोंट बी पैनिक स्टूडेंट, आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए फुल वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट तो जनरल कैटेगरी की फीस यहाँ पे 1000 रुपीज़, OBC और EWS कैंडिडेट की फीस यहाँ पे 800 रुपीज़, SC ST कैंडिडेट की फीस यहाँ पे 750 रुपीज़ और PWBD कैंडिडेट की फीस यहाँ पे 700 रुपीज़ रहने वाली है। अदर चीज़ों की बात करते हैं स्टूडेंट पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग तो ध्यान देना स्टूडेंट जो पेपर है आपका CBT बेस यहाँ पे रहने वाला है, कंप्यूटर बेस आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। पेपर पैटर्न की बात करते हैं स्टूडेंट 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है जिसमें से आपके पास 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के होंगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी और 75 क्वेश्चन आपके पास डोमेन नॉलेज के होंगे जिसमें आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड के, सोशल साइंस के, मैथमेटिक्स के और साइंस के कंबाइंड होकर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है। अदर चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट मार्किंग स्कीम की तो ध्यान देना स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। कहने का मतलब है जैसे कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 × 4 तो टोटल आपका जो पेपर यहाँ पे रहने वाला है 400 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका BEd का रहने वाला है। अदर चीज़ें की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट प्रत्येक गलत उत्तर पे आपके 1 नंबर सही में काट दिया जाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 10 × 4 आपके पास जो मार्क्स होंगे 40 मार्क्स, लेकिन अगर आप उनमें से 5 क्वेश्चन के आंसर गलत दे देते हैं तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट कर दिए जाएंगे जो टोटल मार्क्स आपके 15 क्वेश्चन में होंगे और 35 मार्क्स होंगे। आई होप आप समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार के यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अदर चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तो ध्यान देना स्टूडेंट हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम 2023 में हो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट आपका जब रिजल्ट फाइनल ईयर का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपकी जो परसेंटेज है 50% मस्ट भी आपके पास होने चाहिए देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सेम OBC SC ST कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनके परसेंटेज है जो ग्रेजुएशन पे है 45% मस्ट भी यहाँ पे होने चाहिए देन वो एलिजिबल है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो BTEC वाले हैं उनके जो परसेंटेज है जनरल कैटेगरी में 55% और OBC SC ST कैंडिडेट में 50% यहाँ पे कंपलसरी होने चाहिए। पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने स्टूडेंट कि आपके पास 100 मार्क्स का होगा जिसमें से 25 क्वेश्चन लैंग्वेज के और 75 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के कंबाइंड होकर यहाँ पे आएंगे। आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग फुल वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा कैसे आपका पेपर पैटर्न यहाँ पे रहता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल या परसों आपके लिए फुल वीडियोज़ यहाँ पे आ जाएगी कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट बाय नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।